पाकिस्तान आर्मी के गुंडों ने वहां पे थाना के ऊपर जाकर अटैक किए। अपनी नौकरी छोड़ने का ऐलान करूंगा। और ये जो कपड़े मेरे नीचे पड़े हैं जिसे वर्दी कहा जाता है, ये देखिए नीचे, कैमरा मैन प्लीजी कीजिएगा यहाँ पे भाई, आपका शुक्रिया। एलीट फोर्स का मैं जवान हूँ, ये देखें ये इसके ऊपर टैग है, और ये शूज है और ये बेल्ट है। आपको पता है ये शूज बेल्ट और ये टोपी मैं क्यों चला रहा हूँ? ये गुलामी की लामते हैं। अब अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद फैसल खान है, 6811 मेरा बेल्ट नंबर है, और मैं जिला पुलिस में नौकरी करता हूँ, पंजाब पुलिस लाहौर में। उसके बाद मैं लीड फोर्स में चला गया, जो पंजाब पुलिस का ही एक विंग है जिसके अंदर ऑपरेशनल और स्क्वाड की नौकरी की जाती है। आज 11 अप्रैल है, कल जैसे कि आप तमाम को पता है सानहा 10 अप्रैल हुआ है, जो कि भावलनगर में पाकिस्तान आर्मी के गुंडों ने वहां पे थाना के ऊपर जाकर अटैक किया नौजवानों को। SHO साहब को और सब इंस्पेक्टर को, ASI को और बाकी जवानों को रौंदा है, बुरे तरीके से मारा, उनके ऊपर तशद्दुद किया, व्हाटएवर जो भी उनका मामला था। लेकिन एक रियासती इदारा क्या दूसरे रियासती इदारे के ऊपर इस तरह से लीगली किसी भी तरह से अटैक करने का मुतहम्मिल हो सकता? क्या उसके पास कोई जवाब है? बिल्कुल भी नहीं है, आईन इसका जवाब नहीं देता। दूसरी बात, आज ये वीडियो इसलिए मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने उन भाइयों के साथ जो वहाँ पे थाना भावलनगर में पिटे हैं उन गुंडों के हाथों से और यरगमाल बने हैं, मैं उनके साथ इजहार यकजहती के तौर पर अपनी नौकरी छोड़ने का ऐलान करूंगा। और ये जो कपड़े मेरे नीचे पड़े हैं जिसे वर्दी कहा जाता है, ये देखिए नीचे, कैमरा मैन प्लीजी कीजिएगा यहाँ पे भाई, आपका शुक्रिया। एलीट फोर्स का मैं जवान हूँ, ये देखें ये इसके ऊपर टैग है, और ये शूज है और ये बेल्ट है। आपको पता है ये शूज बेल्ट और ये टोपी मैं क्यों चला रहा हूँ? ये गुलामी की लामते हैं। अब गुलामी की लामते हैं, हम बड़ी इज्जत के साथ नौकरी कर रहे थे, लेकिन जो आज हमारे मुल्क में हो चुका है ईद के दिन, मेरे लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरा जमीर ये गवारा नहीं करता कि 60,000 रुपए की नौकरी के लिए मैं अपना जमीर बेच दूं। इसलिए आज ये मैं अमल कर रहा हूँ अपने उन भाइयों के साथ जिनके साथ वहाँ पे जुल्म और ज्यादती हुई है। रियासती इदारे, हमारा सोशल मीडिया, नाम निहाद सोशल मीडिया, जो हर वक्त इसराइल में बच्चों के मरने की, फलस्तीन, गजा, शाम, इराक, लेबनान, कहाँ कहाँ पे लोगों के मरने की बातें करते हैं और जुल्म और ज्यादती की बातें करते हैं, क्या उन्हें वो जुल्म और ज्यादती नजर नहीं आ रहा आज? आज वो लोग कहाँ पर हैं? आईजी साहब शर्म करें, आप शर्म आनी चाहिए आईजी साहब आपको, सीएम साहब आपको भी शर्म आनी चाहिए। ये कैसा इंसाफ है आपका मुझे बताइए? वैसे आप जाके लोग, आईजी साहब आपने तो रिसेंटली अभी अवार्ड भी लिया सदर साहब से, तो मुझे बताइए अब आप कहाँ पर हैं? ये कौन सी सुलह लोगों के साथ करते पड़ते हैं? आखिरी एक बात कहना चाहूंगा, CCPO जनाब परवेज राठौर साहब, जनाब सर मेरा आपको सैल्यूट है। 2009 में लिबर्टी में एक वाकया हुआ था, डीजी रेंजर साहब की वहां पे गाड़ी गई, उनका बेटा था शायद, तो डीजी रेंजर साहब के बेटे को मना किया, कांस्टेबल मोहम्मद खलील ने मना किया कि आप गाड़ी यहाँ पर मत खड़ी करें, तो प्लीज आप पार्किंग में गाड़ी ले जाएं। डीजी रेंजर की स्कॉट ने उस कांस्टेबल मोहम्मद खलील को वहां से उठाया, मारा और अपने हेडक्वार्टर में ले गए। यार ये गुंडा करती है, ये मुल्क है, मुझे बताएं ये क्या है? आप इसको स्टेट समझते हैं? वो कौन से बेवकूफ लोग हैं ये कहते हैं इस्लाम के नाम पर, खुदा, रसूल और कुरान के नाम पर मुल्क बना है? ये गुंडा करती है, मुझे बताएं, ये तो साम्राज्य है, ये तो साम्राज्य चल रहा है यहाँ पे, मुझे बताएं ये कौन सी कौम है, ये कौन सा मुल्क है? कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लोगों की माओ बहनों के ऊपर उनके कमरों में से कैमरे निकल रहे हैं, पॉलिटिशियंस की नंगी और गंदी वीडियोस रिलीज हो रही हैं, क्या कर रहे हैं? ये वो मुल्क है जहाँ पे जजों को भी इंसाफ के लिए दुआइयां देनी पड़ रही हैं। मेरे लिए ये बात मेरे लिए नाकाबले बर्दाश्त है। बहरहाल मैंने आज अपने डिपार्टमेंट के साथ अपना इजहार यकजहती के लिए ये स्टेप उठाया है कि मैं कह रहा हूँ अब मैं आप इस महकमे में मजीद नहीं रह सकता। अब बिलीव कीजिए, मेरा 1.5 माह का बच्चा है, आज मैंने उसको जाके देखा, जब मैंने ये कदम उठाने का किसी एक दो अफराद से पूछा तो उन्होंने मुझे कहा ये मत करो तुम्हारे बच्चे रोल जाएंगे। मुझे हंसी आई उन लोगों से कि यार ये कैसी बात है, ये कैसा हो सकता है? मुझे खुशी है इस बात की कि मैं ये काम करूंगा, क्योंकि मेरे 1.5 माह के बच्चे को कोई ये नहीं कहेगा तेरा अब्बा बेजमीन था, मुझे पता कोई भी नहीं कहेगा, अभी भी नहीं कहेगा। लेकिन मेरा ये कदम उठाने के बाद लोगों को ये पता चल जाएगा कि अभी भी मुल्क और कौम में, मुल्क और कौम के साथ होने वाली बुराइयों के खिलाफ रेजिस्टेंस का भी नाम मौजूद है। और मैं कांस्टेबल मोहम्मद फैसल खान अपने उन भाइयों के साथ जिनके साथ जुल्म और ज्यादती हुई है, और उन बाकी तमाम अफराद के साथ जिनके साथ ये हमारे इदारे जो हैं उनके साथ जुल्म और ज्यादती करते रहे हैं, उनके साथ इजहार यकजहती के लिए पंजाब पुलिस से अपनी नौकरी को खत्म समझता हूँ और मैं अपनी वर्दी जला रहा हूँ आज।